बच्चों, आज हम लोग 12th क्लास में मैक्सिमा मिनिमा के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसके मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ आप लोगों को। देखिए, एक क्वेश्चन है, एन ओपन बॉक्स विद हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन ये है, एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस व्हिच टू बी मेड आउट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर मीन्स शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज सी क्यू अपॉन 6√3 क्यूबिक यूनिट्स। एक ओपन बॉक्स, एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस इज टू बी मेड, एक ओपन बॉक्स बनाना है और जिसका बेस कैसा होगा, स्क्वायर बेस होगा। जिसका बेस कैसा होगा, स्क्वायर बेस होगा। इज टू बी मेड, हमें बनाना है आउट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर यूनिट्स। तो एक अपने पास शीट है जिसका, एक कार्डबोर्ड है जिसका एरिया कितना है, सी स्क्वायर यूनिट्स है। तो हमें इससे कैसा बॉक्स बनाना है, ओपन बॉक्स बनाना है। एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस, जिसका बेस कैसा होगा, स्क्वायर होगा, ठीक। शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज दिस, ठीक है। जब हमारा बॉक्स जैसे ये बॉक्स है, इसमें टॉप नहीं होना है, ठीक। ये टॉप जो है, ये अपने पास नहीं है, ठीक है। बेस कैसा है इसका, स्क्वायर है। यानी कि देखिए, लेंथ और ब्रेथ तो सेम होगा, हाइट जो है वो इसकी डिफरेंट होगी, ठीक है। क्योंकि तो हाइट के बारे में नहीं कह रहा है, मतलब ये एक ऐसा क्यूबॉइड है जिसका लेंथ और ब्रेथ आपस में बराबर है और हाइट डिफरेंट है। तो ट्राई करते हैं, देखिए, लेंथ हमने ए मान लिया, ब्रेथ ए मान लिया और हाइट हम लोगों ने बी मान ली, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम हम कैसे लिखेंगे, वी लिखा जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी, ठीक है। ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, जैसा कि मैंने पहले बताया, मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम मैक्सिमम होना है, यानी मैक्सिमम मिनिमा का जो हमारा ऑपरेशन है वो किसके ऊपर लगाना है, वी के ऊपर लगाना है। अब अगेन देखो, वी के अंदर ए और बी दो दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो एक वेरिएबल को अब हमें इसमें से रिप्लेस करना है। और वो रिप्लेस कैसे होगा, जो अपने पास कांस्टेंट क्वांटिटी है उसकी हेल्प से। कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, ऑफ गिवन, देखिए, ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर। यानी कि ये जो हमारा, इसी कार्डबोर्ड से तो हमने ये बॉक्स बनाया है, तो जो कार्डबोर्ड है उसका एरिया सी स्क्वायर में था। यानी कि अब इस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया जो है वो क्या होना है, सी स्क्वायर होना है। तो देखिए, टोटल सरफेस एरिया मैं इधर लिख देता हूँ, टोटल सरफेस एरिया, इसको मैं कैपिटल एस से डिनोट कर रहा हूँ। ये कैसे लिखेंगे हम लोग टोटल सरफेस, देखिए, टोटल सरफेस में टॉप का तो है नहीं, टॉप का जो पोर्शन है वो है नहीं अपने पास। तो इस दीवार का, इस दीवार का, इस दीवार का, इस दीवार का, ये जो चारों साइड्स है इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एक का तो ए इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इसकी हाइट होगी, ठीक है। तो ए बी, तो ऐसी ऐसी चार वॉल्स हैं, तो 4ab प्लस a स्क्वायर, तो यहां से देख लीजिए s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4ab प्लस a स्क्वायर। अब यहां से हम b को रिप्लेस कर सकते हैं इजीली, यहां से b क्या लिखा जाएगा, देखिए, b लिखा जाएगा s माइनस a स्क्वायर अपॉन 4a, ये अपने पास b आ गया। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू b, यानी s माइनस a स्क्वायर अपॉन 4a, a से a कैंसिल, तो 1 अपॉन 4 इनटू s a माइनस a क्यूब। तो ये वॉल्यूम अपने पास आ गया 1 बाय 4 s a माइनस a क्यूब। अब देखिए, अपने पास s कांस्टेंट है, ए वेरिएबल है,
ठीक है, तो ए के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो डीवी अपॉन डी ए वन अपॉन फोर, देखिए एस माइनस थ्री ए स्क्वायर, फिर फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम डीवी अपॉन डी ए शुड बी इक्वल टू क्या, जीरो, तो जीरो के जब इक्वल होगा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन थ्री, तो ए इक्वल टू आ जाएगा रूट एस अपॉन थ्री, ठीक है। अब देखिए इस जब अपने पास डीवी अपॉन डी आया है तो इस पे वॉल्यूम मिनिमम भी हो सकता था, क्योंकि फॉर बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा डीवाई अपॉन डी एच क्या होता है, जीरो होता है। अब हमें यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा कि ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस अपॉन थ्री पे हमारा जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होगा। उसके लिए डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो देखिए डी टू वी अपॉन डी ए टू, तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे वन अपॉन फोर, देखिए जीरो माइनस ये क्या आ जाएगा सिक्स ए, यानी कि देखो ये ऑलरेडी ए की वैल्यू क्या है रूट एस अपॉन थ्री और यहाँ माइनस है, तो ये क्या है विच इज अ नेगेटिव क्वांटिटी लेस देन जीरो है, यानी कि एट एस इज इक्वल सॉरी ए इज इक्वल टू रूट एस अपॉन थ्री वी इज मैक्सिमम। ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि वॉल्यूम जो है वो इससे मैक्सिमम होगा। अभी यहां पे हमारी बात खत्म हुई नहीं है, हमें क्या करना है, शो दैट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज सी क्यूब अपॉन सिक्स रूट थ्री, तो हमें वॉल्यूम जो है जो इसका मैक्सिमम वॉल्यूम आने वाला है वो सी क्यूब अपॉन सिक्स रूट थ्री होगा, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो करते हैं अब, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बोर्ड छोटे साइज का है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा, मैं ऊपर का काम कर रहा हूँ। वॉल्यूम हम लोगों ने क्या लिखा था, तो देखिए वॉल्यूम क्या आया था अपने पास 1 by 4 s minus 3a square, ठीक। ये नहीं आया था, s a is equal to root s upon 3 था, ये मैंने रख कर दिया, पता नहीं चल रहा, तो कोई इशू नहीं है। वॉल्यूम था अपने पास a square into b। अब देखिए s की जो वैल्यू है, s की वैल्यू कितनी है c square, s कितना है s is equal to c square, तो a कितना आ जाएगा c upon root 3, ठीक है। तो वॉल्यूम देखिए क्या आ जाएगा, v is equal to था a square, b की जगह पे हम लोगों ने लिखा था s minus a square upon 4, ये हमने वॉल्यूम लिखा था, ठीक है। तो a square minus s कितना था c square minus a square upon 4, a से a कैंसिल, तो c square into a यानी कि c upon root 3 माइनस ए क्यूब, यानी कि सी अपॉन थ्री रूट थ्री अपॉन फोर, ठीक है। अब यहां से सी क्यूब अपॉन रूट थ्री, सी क्यूब अपॉन रूट थ्री कॉमन आएगा, तो वन माइनस वन अपॉन थ्री और इंटू वन बाई फोर, तो ये आ जाएगा टू बाई थ्री इंटू वन बाई फोर इंटू सी क्यूब अपॉन रूट थ्री, सी क्यूब अपॉन रूट थ्री, तो ये आ जाएगा सी क्यूब अपॉन सिक्स रूट थ्री क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है, क्यूबिक यूनिट्स, यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स अब सेकेंड क्वेश्चन है, कह रहा है अ विंडो इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल इज सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल ओपनिंग, एक विंडो है, एक खिड़की है जो रेक्टेंगल के शेप में है, इज सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग, इसके ऊपर से एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग है,
द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर, यानी कि अपने पास टोटल जो पेरीमीटर है इस विंडो का वो अपने पास कॉन्स्टेंट दिया हुआ है. ठीक. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द विंडो. जो रेक्टेंगुलर पार्ट है विंडो का उसका हमें क्या करना है, डायमेंशन फाइंड करना है टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग. जो इससे लाइट आए वो मैक्सिमम हो, ये हमें उसका डायमेंशन फाइंड करना है. ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप में है, तो रेक्टेंगुलर शेप में तो लेंथ और ब्रेथ दो चीजें होंगी, तो मैं इसका लेंथ x मान लेता हूं और ब्रेथ y मान लेता हूं. अब सेमी सर्कुलर ओपनिंग जो है लेंथ के ऊपर है, जैसा कि मैंने यहाँ फिगर पे दिखाया, हो सकता है ऐसे ब्रेथ के ऊपर भी हो सकता था. ठीक, तो लेंथ के ऊपर है, तो ये जो लेंथ है रेक्टेंगल का वो इस सेमी सर्कुलर ओपनिंग का डायमीटर होगा. तो हमें सेमी सर्कुलर, जो हमारा सेमी सर्कुलर पोर्शन है उसके रेडियस की तो चिंता नहीं है. देखिए, लेंथ हमें x मिल गया, ठीक, ब्रेथ y मिल गया, और जो रेडियस है वो x अपॉन 2 हो गया. ठीक, देखिए जब हम इसका टोटल पेरीमीटर लिखेंगे, कैसे लिखा जाएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर ये पेरीमीटर के अंदर ये काउंटिंग होगा, ध्यान रखना y x y और ये 2 पाई r, r मतलब x by 2 का हाफ जो था, यानी कि पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई r होता है, सेमी सर्कल है तो उसका हाफ कर दिया हमने, तो पाई r की जगह पे x लग गया. ठीक, तो टोटल पेरीमीटर अब कैसे लिखते हैं, देखिए y प्लस x प्लस y, यानी कि 2y प्लस x प्लस पाई x by 2, सही है, यानी कि x कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस पाई बाय 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10. ठीक है, ये हो गया. अब एरिया लिखिए, एरिया ऑफ द विंडो जिसको हमें मैक्सिमम करना है, तो जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा लाइट आएगी, तो एरिया कैपिटल A कितना आ जाएगा, देखो ट्रायंगल सॉरी रेक्टेंगल का एरिया और इस सेमी सर्कल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया हो गया एक्स वाई प्लस सेमी सर्कुलर पोर्शन का पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन 2, तो A इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8, सही है, ये अपने पास एरिया आ गया. अब यहां से या तो हम x को रिप्लेस कर लें या y को, अगेन देखिए a जिसको हमें मैक्सिमम करना है उसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक x हो गया और एक y वेरिएबल हो गया, तो हमें एक वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि y को रिप्लेस करना ज्यादा आसान रहेगा. तो y को हम यहां से क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस x इंटू 1 प्लस पाई बाय 2 अपॉन 2. ठीक है, तो x into y आ जाएगा 5 minus x by 2 into 1 plus pi by 2 plus pi x square upon 8. ठीक है, तो 5x minus x square upon 2 1 plus pi by 2 और pi x square upon 8. ठीक है, अब dA upon dx, तो 5 minus 2x upon 2 into 1 plus pi by 2 plus 2 pi x upon 8. ठीक है, तो 5 minus ये cancel, x into 1 plus pi by 2 plus pi x upon 4. इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 माइनस x माइनस 5 पाई सॉरी पाई x अपॉन 2 प्लस पाई x अपॉन 4, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 5 माइनस
x और माइनस पाई x अपॉन 4 जब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए dA अपॉन dx हमें मिल चुका है। अब मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए अपना जो dA अपॉन dx है वो इक्वल टू 0 होगा। यहां से x क्या आया था अपने पास, ये dA upon dx मिला था 5 माइनस x माइनस पाई x बाई 4। अब अपने पास dA upon dx है 5 माइनस x माइनस पाई x बाई 4, ठीक। अब यहां से देखिए फॉर मैक्सिमम एरिया dA upon dx क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, यानी कि 5 माइनस x माइनस पाई x बाई 4 0 के इक्वल, यानी कि 5 इज इक्वल टू 1 प्लस पाई बाई 4 इंटू x, ठीक है। तो x अपने पास आ गया 5 अपॉन, देखिए ये 4 है तो इधर 20 और 4 प्लस 5, ठीक, ये अपने पास x आ गया, ठीक। अब डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं ताकि हमें ये प्रूफ करना होगा कि x इज इक्वल टू 20 अपॉन 4 प्लस 5 पे ये एरिया मैक्सिमम होगा, ठीक। तो ये अपने पास है dA अपॉन dx, d2a अपॉन dx2, देखिए 5 का 0 माइनस 1 माइनस पाई बाई 4 जो कि एक लेस देन जीरो क्वांटिटी है, इसका मतलब इस x की इस वैल्यू पे एरिया जो है वो मैक्सिमम होगा। अब हमें क्या कर रहे हैं, फाइंड द डायमेंशंस, डायमेंशन हमें फाइंड करना है। तो डायमेंशन फाइंड करने के लिए फॉर डायमेंशंस देखिए लेंथ को तो हमने x माना था, x हमारे पास है ही 20 अपॉन 4 प्लस 5, और ब्रेथ y कितना आया था, y आया था, ये था 2y, perimeter ही था ना, x plus 2y plus pi x upon 2, ये 20 था, तो y था अपने पास, 20 नहीं 10 था ना, 10, तो 5 minus x by 2, 5 minus x by 2 into 1 plus pi by 2, ये अपना y था, यानी कि 5 माइनस x by 2, x by 2 यानी कि 10 upon 4 plus pi into 1 plus pi upon 2, इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, 4 plus इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 5 माइनस 10 upon 4 plus pi minus 10 pi upon 10 pi upon 2 था, तो ये बन जाएगा 5 upon 4 plus pi, तो 4 plus pi LCM, तो 20 plus 5, 20 plus 5 pi minus 10 minus 5 pi, ये इससे कैंसिल, तो 10 upon 4 plus pi, ठीक है। तो ब्रेथ अपने पास आ गया 10 अपॉन 4 प्लस 5, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका डायमेंशन फाइंड कर लिया। इस डायमेंशन पे जो खिड़की से जो लाइट आएगी वो मैक्सिमम आएगी, ठीक। बाकी के क्वेश्चंस आप लोग और ट्राई कीजिए,
कल मैं इसके और दो तीन क्वेश्चंस करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और आपके अगर कुछ डाउट्स हो तो आप मेरे साथ अपने डाउट्स शेयर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।